ये सर आप भी फॉलो करते हैं, हम भी रीड करते रहते हैं सिचुएशन को, ये अचानक एस्केलेशन हुई है, पहले भी चल रही थी, खान साहब जब कैद में गए थे, गिरफ्तारियां हुई थीं, तो लेकिन ये जो इसने ये डेंजरस लेवल्स पे इसने टच किया है, जो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं, जो अफगानिस्तान से हम बात करेंगे, अब लगता नहीं कि जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसेस तेज़ हुआ है सर, अचानक फायर वर्क, अचानक गुस्सा, स्टेटमेंट, दोनों साइड से एक्शन वर्सेज रिएक्शन होना शुरू हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, को लगता है आपको जनरल फैज की गिरफ्तारी से कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, लोग उन्हें कहना शुरू कर दिया, स्टोरीज आना शुरू हो गई, ISPR ने भी कह दिया जनाब कि वहाँ पर कि हम ये फौजी ट्रायल की तरफ उन्होंने इशारा दिया, आप इसको समझते हैं कि जनरल फैज गिरफ्तारी वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसके बाद ये सिचुएशन ऐसे ये खराब हुई है सर? डॉक्टर साहब, मैं इसको जनरल फैज की गिरफ्तारी को कॉन्सिक्वेंस समझता हूँ, मैं उसकी वजह से बाकी जो वो कौन थी कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता, बहुत सी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सी चीजें इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीच द हेड पहुंच गई हुई थी, मेरा ख्याल है जनरल फैज की गिरफ्तारी ही उसी की गई है जब ये फैसला हो गया एट द हाइस्ट लेवल कि अब पीछे नहीं हटना और चीजों को जहां लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो जनरल फैज की गिरफ्तारी मेरा ख्याल है कोई अनफोर्सीन या अनप्लान या अचानक नहीं थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने हैं। सो आई थिंक ये कुछ एक लिंक था, एक सिलसिला, और ये उसके अंदर एक अब ये कह सकते हैं कि उसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसने शुरू किया है, आई थिंक वो एक नेचुरल एक पॉइंट था जिसने एक पॉइंट पे आना था। उसके बाद तो चीजें पब्लिक होना शुरू हुई है ना, हमें जनरल फैज के बारे में DGSPR भी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चीजें सामने आई, लेकिन उससे पहले तो सारा सिलसिला बहुत महीनों से चल रहा था। नहीं मालिक, मैं इसलिए कह रहा था, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये पहली दफ़ा ISPR ने हिंट किया कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, और जिन लोगों के रबते थे इनसे जनरल फैज से पॉलिटिकली तौर पर, उन तमाम का हम ये करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, ये उन्होंने बात इशारों के नयों में या उन्होंने वाजे कही, और बाद में खबरें बाद में खबरें सामने आना शुरू हो गई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब के भी कोई रबते थे, वो निकले हैं, आप ही मेरा ख्याल है ये बात कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वहाँ से उनको भी था, फिर वो खान साहब को भी कहने लगे बाज लोगों के वहाँ से भी रबते थे, उनके भी कोई एविडेंसेज हैं, फिर पता चला कि लोग कोई वादा माफ गवाह बन गए हैं, कुछ वहाँ पे गवाह आ गए हैं, तो उन्हें तो ये फील हुआ है कि शायद जनरल फैज के साथ हम तीनों चारों का एक ट्रायल होगा, सो दैट्स द रीज़न दे रिएक्टेड, और ये मुझे लगता है कि उसका बड़ा गहरा तल्लुक है जितना ये रिएक्शन आया और जितनी लड़ाई बढ़ी है सर। रोफ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो 8 को तकरीर हुई क्या वो खान साहब की डायरेक्शन पे हुई या खान साहब ने बाद में उसको ऑन किया, क्योंकि उनको पसंद तो आया होगा जब कोई भी। आपका क्या एनालिसिस है, आप खान साहब को जानते हैं बड़ा, उनको आपने कई इंटरव्यूज किए हुए हैं, मिले हुए हैं, हम सब मिलते थे, मतलब आपको 30-35 साल पॉलिटिक्स कवर करते हो गए, आपका क्या ख्याल है खान साहब के बारे में? मैं उधर ही आ रहा हूँ जी सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिये मेरा ख्याल है की 8 फरवरी से पहले फैसला ये था मुख्तसर हल्कों का कि हमने वैंक्विश कर देना है, तबाह कर देना, खत्म कर देना PTI को। जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया और जिस तरह वोटिंग हुई तो ये तो सबको समझ आ गई कि भाई आप वैंक्विश नहीं कर सकते पार्टी को। फिर आई थिंक प्लान बी शुरू हुआ कि जिसमें आप कहते हैं अच्छा हम वैंक्विश नहीं कर सकते तो पार्टी को कंट्रोल करें। अगर पार्टी कंट्रोल आप करना चाहेंगे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि जब तक खान साहब अंदर हैं, पहली तो कोशिश ये है कि वो एंडलेसली अंदर हैं और एक के बाद दूसरा मुकदमा, और जब तक वो अंदर हैं आप एक ऑल्टरनेटिव तैयार करें जो मैनेजेबल हो। आप इस वक्त आप एक चीज देखिए कि अली मीन गुडापुर साहब हमेशा से ही वो इस तरह ही बोलते हैं, कभी कई बार तो बहुत ही बेहुदा सी बात भी कर देते हैं, जिसका बिजवाई उन्होंने विमेन जर्नलिस्ट के बारे में की, सब कुछ किया वाला था चीजें, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सब कुछ है। इस वक्त ये देखिए खान साहब के बाद इस वक्त पार्टी में क्या कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर है, वो इस वक्त अली मीन गुडापुर है। आठ से पहले अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं थे, पहले सिस्टमेटिकली KP के अंदर जितने उनके राइवल थे जो उनको चैलेंज कर सकते थे उनको सबको रास्ते से हटा दिया गया, उन्होंने हटाया या जिसने भी हटा दिया उनको हटा दिया। आप मुझे बताएं कि एक जो PTI के नजदीक सबसे बड़ा जलसा हो रहा हो, इतने महीनों की कोशिश के बाद इजाजत मिले, क्या उससे एक दिन पहले आपको समझ आती है उमर यू का रेजिग्नेशन? मेरी जो समझ से बालातर, KP में इस वक्त कोई भी नहीं रहा, KP की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और ओवरऑल PTI की पॉलिटिक्स, इस वक्त एक ही अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं
वो है अमीन गंडा प्रसाद। क्या अमीन गंडा प्रसाद टेम्पररी ऑल्टरनेट वो है लीडरशिप? आई डोंट नो, बिकॉज अगर तो खान साहब की मंशा से वो आठ वाली तकरीर है फिर तो टोटल स्टोरी और है। अगर खान साहब की मंशा या हिदायत के ऊपर वो स्पीच नहीं हुई तो फिर आपको गंडापुर साहब को भी एक टोटल दूसरी लाइट में देखना चाहिए और शायद देखना भी पड़े। मैं इस बात को यहीं पर रुकूंगा। नहीं, खान साहब ने तो अगले दिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो बड़ा सख्त बयान जारी किया, आपने भी यकीनन सुना होगा। उन्होंने कहा आप गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक बातें की और जो लोग वजातें कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वो बुजदिल हैं, वो पार्टी में मत रहें। ही वॉज रिफरिंग टू उमर अयूब और ब्रेस्टर गौर। तो खान साहब ने तो इतना बड़ा था, उन्होंने तो ब्रेस्टर गौर और उमर अयूब को उन्होंने वो कर दिया है, रगड़ के रख दिया है। उन्होंने माफी मांगी ना जाके, जी यूं नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये नहीं था, माफ कर दे। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, समझिए, उमर अयूब क्या कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतने बड़े इवेंट से एक दिन पहले रिजाइन करता है? नोबडी हैज आस्क्ड हिम कि यार तुमने इतने क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों रिजाइन किया। तो वो रेजिग्नेशन ऑर्डिनरी रेजिग्नेशन नहीं है। यही उमर अयूब थे जब एक दो माह पहले इन्होंने रिजाइन किया या इनको कहा गया रिजाइन करने का, तो पूरा उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक पूरा ड्रामा हुआ। लोग खड़े हुए सेशन में, उन्होंने कहा नहीं 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 आप वापस नहीं पे रेजिग्नेशन। फिर एक डेलीगेशन खान साहब के पास, फिर खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं उसको रेजिग्नेशन वापस ले, और फिर महीने डेढ़ के बाद अब दोबारा फारिग हो गए। तो आपके क्या जहन में आ रहा है सर, आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, आपका काम ये गुत्थियां सुलझाना है, मजीद गुत्थियां मतलब देना नहीं होता। मेरे नजदीक कोई ज्यादा गुत्थी नहीं है, मेरे नजदीक सिर्फ ये है जो ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं कि गंडापुर साहब की जो स्पीच थी आठ की, क्या वो खान साहब की हिदायत पे थी या बाद में खान साहब को पसंद आई? खान साहब को कोई भी सख्त तरीके से बात करे, फ्रंट फुट पे खेले, तो हमेशा से खान साहब को पसंद आता है। वो खुद भी फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी है, इस पे उनको पसंद आता है। हाँ यार ये दबंग गया, दलेर है, देखो उसने उड़ा दिया सब कुछ, उसने ऐसी की तैसी कर दी। तो ऐसी की तैसी तो उन्होंने की सब की, उन्होंने उस दिन फौज को भी सुनाई, उन्होंने गवर्नमेंट को तो खैर सुनानी थी, उन्होंने जर्नलिस्टों को भी सुनाई, उन्होंने वो बातें की, आज उसको वो एक स्टेप ऊपर ले गए। अगर मैंने कहा ना बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो खान साहब की एमा पे हुआ सब कुछ आठ को, तो फिर तो बड़ा क्लियर सिग्नल है कि खान साहब को 100% वशोर हो गए हैं कि मेरी अब किसी ने बात ना मेरे से करनी है, ना इन्होंने मुझे आने देना है। अगर इनके बस में हुआ तो अब मुझे लड़ाई को एक और नई लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए आप समझते नहीं है कि 8 सितंबर वाला जो जलसा था एक अपॉर्चुनिटी भी थी पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, कि 22 अगस्त को खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया जब एस्टैब्लिशमेंट ने उनको अप्रोच किया कि आप जलसा ना करें, और उन्होंने नहीं किया, और उसके बदले में उनको उन्होंने फेवर की कि आप 8 सितंबर का कर लें, और उस पर हुकूमत भी थोड़ी सी वो डिस्टर्ब थी कि भाई साहब ये तो रबते हो गए हैं, शायद कोई हम दरमियान में से हम ना निकल जाएँ, एक अच्छा गुड फील फैक्टर पैदा हुआ था। अब तो आपके ख्याल में 8 सितंबर को अगर थोड़ी सी एक चलाकी करके, ट्विस्ट करके, ज़रा थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखी जाती है, हुकूमत को भी एक खौफ होता है कि इनके दरमियान कोई रबते हुए हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, एक आईनी कानूनी बात कर रहे हैं, थ्रेट गाली गलोच नहीं कर रहे, तो आपको लगता नहीं है कि रिजल्ट माइट हैव बीन डिफरेंट, स्पेशली जब हुकूमत कह रही थी जलसा शायद ना हो, लेकिन फिर भी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा नहीं भाई हमारा वादा है, हम खान साहब से वादा पूरा करेंगे, तो दे कुड हैव यूज्ड इट फॉर एक मतलब थोड़ी सॉफ्ट को रबते मजीद पक्के हो सकते थे, रास्ता निकल सकता था, वो इसको यूज़ भी कर सकते थे इस अपॉर्चुनिटी को।